हेलो एवरीवन। तो यार यूपी आयुष राउंड टू का रिजल्ट आउट हो चुका है, अब मॉपअप राउंड का वेट कर रहे हैं, रिपोर्टिंग खत्म हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट रह गई हैं और राउंड टू की ये लास्ट सीट अलॉटिंग है कैटेगरी वाइज, मतलब लास्ट में जाके सीट इस तरह इतनी रैंक पे मिली हुई है। तो जनरल वाले की अगर हम बात करें तो 93,115 पे सीट अलॉट हुई है आयुर्वेदा में, और ईडब्ल्यूएस में 137,461 पे मिला है। ओबीसी एनसीएल के लिए 129,700 तक सीट मिली हुई है। एससी के लिए 253,464 पे मिला हुआ है। एसटी के लिए 987,824 पे लास्ट सीट अलॉट हुई, मतलब भाई एसटी के लिए कोई भी रैंक हो आपको एक आयुर्वेदिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें होम्योपैथिक की राउंड टू में, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ एक्सटेंड रही है, 10 लाख रैंक पे मिल गया भाई, 10 लाख रैंक पे होम्योपैथिक मिला है, तो मतलब सबको मिल जाना था। ईडब्ल्यूएस के लिए 7 लाख अराउंड है, ओबीसी के लिए 10 लाख अराउंड है, एसटी के लिए भी 10 लाख अराउंड है, एससी के लिए सॉरी। तो मतलब ये कि भाई आपकी कितनी भी रैंक थी तो आपको बीएचएमएस मिल गया था। राउंड वन में भी डेटा इसी तरह एक्सटेंड किया हुआ था, काफ़ी सारे स्टूडेंट को अलॉटमेंट मिली हुई थी इस बार, कुछ को नहीं मिली है, कुछ चाह रहे कि भाई मॉपअप राउंड मिलेंगे। अगर आप इनमें से किसी के भी नियर अबाउट रैंक पे आ रहे हैं तो आप मॉपअप राउंड पे जरूर वेट करें और मॉपअप राउंड बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करें, बिकॉज अभी शेड्यूल आ जाएगा और शेड्यूल हम आपको बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक प्राइवेट मेडिकल, जो प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज है उस पर रिपोर्ट नहीं किया है, सीट अलॉटमेंट आने के बाद भी काफ़ी सारे बच्चों ने राउंड टू में, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ने विड्रॉल लिया हुआ है, मतलब कि सीट पे जाके रिपोर्ट नहीं किया है। तो आपके लिए बहुत बेटर होगा कि आप मॉपअप राउंड करें, हमारी टीम से कंसल्ट करें, कुछ डाउट करी प्रॉब्लम आ रही नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, जाके कॉल करो।